हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवर मोटर राइड। तो आज का वीडियो होने वाला है प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक का, मतलब स्क्रैम्बलर 411 को हम ऑफ रोडिंग करने के लिए लेकर आए हैं और उसका रोड टेस्ट भी करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलते हैं बाइक को राइड करने के लिए। सीट हेड आपको 795 mm की मिलती है। अगर आपके हेड 5 फीट 6 इंच है या 5 फीट 5 इंच है तो आप आराम से राइड कर सकते हैं। इसकी सीट हेड थोड़ी हाई आती है लेकिन आप आराम से राइड कर सकते हैं। 185 kg इसका वेट है, फिर भी आपको वेट ज़्यादा महसूस नहीं होता। और यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच, यहाँ पर हैजर्ड लाइट स्विच जो कि सभी बाइक में आना चाहिए मैं बोलता हूँ, और यह है सेल्फ स्टार्ट बटन जो कि वन टच में स्टार्ट हो जाती है। तो चलो ऑफ रोडिंग करके आते हैं। पूरा यहाँ पर ऑफ रोडिंग का ये है। और गाइस कोई भी बाइक चलाने से पहले, छोटी हो बड़ी हो, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। मैं पहले नहीं पहनता था लेकिन अब सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। हम थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। स्क्रैम्बलर मतलब हर कुछ करने के लिए होती है, स्क्रैम का मतलब ही वो होता है। तो हम यहाँ पर ऑफ रोडिंग करने के लिए आए हैं खास। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसका सस्पेंशन सेटअप जो है बहुत सॉफ्ट है, अच्छे से राइड मिलती है आपको। डुअल चैनल ABS मिलता है। तो ABS की एक बात बोलना भूल गए, आपको स्विचेबल ABS नहीं मिलता। स्क्रैम्बलर में देना चाहिए, थोड़ी बहुत अपने को स्लिप करने आता था टायर, लेकिन चलता है फिर भी। ABS बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैडलिंग करने के लिए, सैडलिंग भी बहुत अच्छे से कर लेती है बाइक, मज़ा आती है आपको। कहीं से भी ये नहीं होता कि डर नहीं लगता। 185 kg होने के बाद भी आपको ज़्यादा डर नहीं लगता, वेट ज़्यादा महसूस नहीं होता। और इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है। इसमें आपको 411 cc का इंजन मिलता है हिमालयन वाला, जिसमें आपको 24.3 PS की पावर और 32 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स आते हैं, सेकंड गियर में भी खींच रहा था मैं। और इसमें आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिलता है, 32 Nm, मतलब समझ जाओ टॉर्क कितना ज़्यादा है। और आपको थोड़ा बहुत क्लच छोड़ते ही पिकअप महसूस होने लगता है। मैंने बहुत सारे ऑफ रोडिंग के वीडियोज़ भी बनाए यहाँ पर, इंस्टाग्राम पर डालूँगा। आपको इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रखा है स्क्रीन पर, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड क्वायरीज वहाँ पर भी पूरी करता हूँ। ऑफ रोडिंग करने के लिए पिकअप बहुत अच्छी लेती है, सेकंड गियर में भी गाड़ी देख सकते हैं आप। मज़ा आ रहा है, पैच कैसा है देखना का इस सीन देखो। अब अपन चलते हैं रोड की तरफ जहाँ से आए थे। माइलेज फिगर्स की बात करूँ तो आपको माइलेज फिगर्स कुछ 32-35 mpl देखने को कंपनी से मिलेंगे, लेकिन आपके राइड करने पर डिपेंड करेगा कि माइलेज आपको बाइक कैसी देती है। अब अपन पिलियन के साथ राइड करने वाले हैं। हमारे क्या है, सिद्धार्थ भाई हैं, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं, सिद्धार्थ भाई हमारे मैनेजर हैं रॉयल इनफील्ड के। हाय बोल दो कैमरे में। हेलो, हाय। हाँ, अपने रॉयल इनफील्ड शोरूम के मैनेजर हैं। अगर रॉयल इनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आपको शोरूम के डिटेल्स आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनसे कॉन्टैक्ट करो, ये आपको बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। मेरे साथ ऑफ रोडिंग करने के लिए आए थे और इनके भी फोटोज़ लेना था। चलो बैठो भाई, अब पिलियन के साथ हम राइड करेंगे। यहाँ से शोरूम बहुत दूर है, देखेंगे। चलो, सिंगल टच में स्टार्ट होती है, आपको एक्सेलरेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रैम 411 411 cc का इंजन, एयर कूल्ड मिलता है आपको, एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल है, ऑयल कूलिंग भी है इसमें आपको, जैसे कि हिमालयन में मिलता है। और इसमें आपको जो माइलेज तो मैंने बता दिया, टॉप स्पीड 120 प्लस पकड़ के चलना, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड आपको 120 से ज़्यादा देखने को मिलती है। मैंने टॉप स्पीड टच नहीं की, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे जिसमें टॉप स्पीड 120 आराम से कर ले रही थी, और दूसरे ही गियर में 80 के ऊपर जा रही थी बाइक। ये मैंने नहीं ट्राई किया, लेकिन अभी नई नई बाइक है, सेल के लिए रहती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको रास्ता जो है लद्दाख टाइप देखने को मिलेगा, मतलब जो चढ़ाई वाला रास्ता है। बाइक में टॉर्क इतना ज़्यादा है, मैं अभी तक फुली एक्सेलरेट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, इसका पिकअप इतना ज़्यादा था। ये पहली या दूसरी बाइक होगी जिससे मैं डरा, वरना मैं किसी भी बाइक के पिकअप से डरता नहीं था, बहुत एक्सेलरेट करते जाता था, मतलब रेड लाइन करने की मेरी आदत थी। जैसे कि देख सकते हैं बाइक का जो पिकअप है बहुत अच्छा है, वाइब्रेशंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, मतलब वाइब्रेशन ना के बराबर हैं चलेंगे। रॉयल इनफील्ड में जो पहले आते थे आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, जैसे कि वाइब्रेशंस के आते थे। बहुत रिफाइंड इंजन मिलता है, बहुत स्मूथ आता है, कहीं पर भी आपको वाइब्रेशंस तो देखने को नहीं मिलते। इसी के साथ इसके जो गेयर बॉक्स है ये भी बहुत स्लिक शिफ्ट है, मतलब आपको ज़्यादा जो गैप मिलता था गेयर बॉक्स में, मतलब ज़्यादा गियर का गैप रहता था डालने के लिए, वो गैप वैप कुछ भी नहीं है। और फॉल्स न्यूट्रल भी नहीं आता इस बाइक में, मतलब आराम से सेकंड गियर कर ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाइक में, मतलब मस्त है। और आपको फ्रंट में हेलोजन वाले हेडलैम्प मिलते हैं जिसमें आपको LED DRL मिलते हैं। और ऑफ रोडिंग करने के लिए तो मैं बोलूँगा मस्त बाइक है, मतलब एक नंबर बाइक है। स्क्रैम 411 YZD की भी चलाई थी मैंने, उसका क्लच जो था बहुत हार्ड था, यहाँ पर 3 से 4 बार यूज़ करने के बाद हाथ दुखने लगा था, लेकिन इसका जो क्लच आता है बहुत लाइट आता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती आपको बाइक राइड करते समय।
और बाइक में आपको टायर जो मिलते हैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग ट्यूब वाले टायर आते हैं, और इसमें जो आपको टायर रहते हैं ऑफ रोडिंग जो होती है बहुत अच्छे से होती है, ग्रिप बहुत अच्छी देती है बाइक, मतलब टायर जो है आपको परफेक्ट ग्रिप दे देते हैं इस बाइक में। आपको रियर व्यू मिरर वही मिलते हैं जो कि रॉयल इनफील्ड में राउंड शेप वाले आते हैं, लेकिन इसमें आपको मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है कलर की। यहाँ पर भी आपको स्क्रैम 411 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करूँ तो आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टैकोमीटर के बिना, मतलब टैकोमीटर नहीं आता, सब कुछ आता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, गेयर पोजीशन, मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आ जाता है, क्लॉक मिल जाती है आपको, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप एफ, ये तीन ट्रिप मिल जाते हैं, और इसी के साथ फ्यूल गेज भी देखने को मिल जाता है। और फ्यूल गेज ज़्यादातर पहले रॉयल इनफील्ड के बाइक में नहीं आता था, अब नए मॉडल्स में सब में आने लगा है। मीटियोर वाला आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, और इसके स्विच गियर में राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच और उसके नीचे हैजर्ड लाइट स्विच, हैजर्ड लाइट हर एक बाइक में होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर किसी भी बाइक में। और इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट वाला बटन, लेफ्ट साइड में येलो कलर से पासिंग स्विच मिलता है, और इसी के नीचे हाई बीम लो बीम स्विच, उसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन, और ये हॉर्न, हॉर्न बहुत लाउड आता है, आपको हेलमेट में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, लेकिन जो सामने लोग होते हैं आराम से हट जाते हैं इसकी आवाज़ से। और इसी के साथ एक बटन बताना भूल गया था मैं आपको, इंजन किल स्विच के पीछे आई बटन मिलता है जिससे आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप एफ से मैं ओडोमीटर में भी आ गया, ओडो के बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी, इसके बाद ट्रिप एफ, ऐसे तीन ट्रिप मिल जाते हैं आपको। और बाइक में टॉर्क इतना भरपूर है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। हाँ, ऑफ रोडिंग करते समय बहुत ज़्यादा टाइम स्लिप करने को कर रहा है, लेकिन एबीएस हमेशा किक इन करता है जिससे आपको सेफ महसूस होता है, लेकिन ऑफ रोडिंग के टाइम एबीएस ज़रा स्विचेबल देते तो और अच्छा हो जाता है, लेकिन देखेंगे फ्यूचर अपडेट्स में है तो बहुत अच्छा है। और ओवरटेक भी बहुत आराम से कर सकते हैं, कहाँ से भी ले जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग बाइक है, टूरिंग बाइक है, स्क्रैम का मतलब ही होता है सभी, मतलब सब कुछ कर लेती है ये बाइक, इतना अच्छा इसका लुक भी आता है, और इसके जो स्क्रैम का मतलब आप समझ सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकती है बाइक, मतलब टूरिंग, हाईवे राइडिंग, हाइपर राइडिंग, ऑफ रोडिंग, प्रॉपर ऑफ रोडिंग, मतलब सब कुछ कर लेती है, क्रूजिंग तक कर ले सकती है ये बाइक। माइलेज फिगर्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, चाबी आपको वही रॉयल इनफील्ड वाली देखने को मिलती है। सस्पेंशन सेटअप में आपको 41mm वाले टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं फ्रंट में, जिसका सस्पेंशन ट्रैवल 190mm का देखने को मिल जाता है, 190mm का सस्पेंशन ट्रैवल फ्रंट में। और रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है जिसमें 180mm का सस्पेंशन ट्रैवल देखने को मिलता है। और सस्पेंशन आपको मतलब मीडियम से मिलते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, जैसा आपको लगते हैं वैसे मिल जाते हैं। और आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन देखने को मिल जाती है, अपराइट पोजीशन आती है, तो आप समझ सकते हैं आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सीट की बात करूँ तो पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पिलियन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत आराम से बैठे हैं वो भी। और पिलियन सीट भी आपको बहुत सॉफ्ट देखने को मिलती है, प्रॉपर ग्रैवल आते हैं, और इसी के साथ आप ग्रैवल्स पर टॉप बॉक्स लगा सकते हैं टूरिंग करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर होता है, और ना टॉप बॉक्स के लिए बहुत अलग से खर्चा करना पड़ता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंडिकेटर सबको हैलोजन वाले देखने को मिल जाते हैं। टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की देखने को मिलती है, सफिशियंट है अब टूरिंग करने के लिए, तो बहुत अच्छी हो जाती है, 30 से 35 का माइलेज बोलता, आप आराम से 400 किलोमीटर कवर कर सकते हैं उस टैंक कैपेसिटी में। फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर सर्द के मौसम में, मतलब मानसून या फिर सर्दी के मौसम में, इस विंटर या फिर मानसून के मौसम में आप आराम से एक सेल्फ में स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपको किक देखने को नहीं मिलता। 411 cc की बाइक आती है तो आपको किक देखने को क्यों मिलेगा, आजकल 150 cc, 125 cc की बाइक से किक कट हो रहे हैं, जैसे कि ड्यूक 125, RC 125, ऐसा बाइक्स में नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको किक देखने को नहीं मिलता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो जाती है, और उसका फ्यूल इंजेक्शन भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। और जैसे कि आप जानते हैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर ऑल इंडिया फैले हुए हैं, तो आपको सर्विस कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर जगह मिलेगी, छोटे से छोटे गाँव में आपको रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर देखने को मिल जाते हैं। और सिटी राइड के लिए भी बेस्ट बाइक है, सिटी में भी राइड करेंगे हम, अभी अपन है आउट ऑफ में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और इसका हैंडल बार जो है, मतलब इसका जो हैंडल बार है इसकी वाइडनेस बहुत ज़्यादा है, अपने कैमरे में पूरे से कैप्चर भी नहीं हो पा रही होगी, वाइड एंगल कैमरा चालू, मतलब वाइड एंगल लेंस भी लगाने के बाद आपको पूरा का पूरा यह देखने को नहीं मिलता व्यू, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है बहुत वाइड है। सैडलिंग मैंने करके बता दी, सैडलिंग भी बहुत आराम से होती है, हिमालयन से अच्छी इसके अंदर आपको सैडलिंग करने को मिल जाएगी। हिमालयन भी बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, इसका वेट आपको 185 kg का है, तो भी आपको वेट ज़्यादा महसूस नहीं होगा, बाइक इतनी अच्छी बनी हुई है। रॉयल इनफील्ड के बहुत कम बाइक हैं जो मुझे पसंद आते हैं, जिसमें से एक ये बन चुकी है, पहली बाइक मेरे को हिमालयन पसंद आई थी। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैंने आपको रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 411 BS6 बाइक का टेस्ट राइड रिव्यू दे दिया, आपको कैसी लगी बाइक कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ाना अपलोड करता रहता हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइज़
चैनल को तो शेयर करना चाहिए। अपने को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मतलब सुपर बाइक्स को ख़रीदना है, इसलिए ज़रा मदद कर दो। ट्रैफिक में तो देख सकते हैं ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, फिर भी हीट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है इसका इंजन, 411 सीसी होने के बाद भी आपको ज़्यादा हीट महसूस नहीं होता इंजन की तरफ। वरना गाड़ी आजकल जो सीज़न चल रहा है अब है अप्रैल, अप्रैल में यहाँ पर मेरे शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं हेलमेट में जो बैठ कर चला रहा हूँ, मेरे को ही पता है मैं कैसे हालत में हूँ। कोई बैठ नहीं सकता, कोई भी हेलमेट पहन के नहीं चलाता, लेकिन आपको सेफ्टी प्रायोरिटी पहली रखना है, मतलब सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी देना है। आप कितनी भी स्पीड चलाओ लेकिन आपको हेलमेट, राइडिंग गियर्स पहनना है। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।